नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। नीतीश कुमार के फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें बधाइयों के साथ साथ तंज भी झेलने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री के कई पुराने साथी उन पर तंज कसने से बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद तंज कसने वालों में एक नाम प्रशांत किशोर का भी है। जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तंज भरे अंदाज में बधाई दिया है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें इस पद पर मनोनीत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम के रूप में एक थके हुए और राजनीतिक रूप से कमजोर नेता के साथ बिहार को कुछ और सालों के लिए अभावग्रस्त शासन के साथ अप्रिय स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले प्रशांत किशोर जदयू से अलग हो गए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर आलोचना किया था। प्रशांत किशोर पूरे बिहार विधानसभा चुनाव से गायब रहे थे। चुनाव में वो शांत रहे और सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आए, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। एक दौर था जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खासे करीबी रहे। उनके काम से प्रसन्न होकर मुख्यमंत्री ने उन्हें जदयू का उपाध्यक्ष बना दिया था, लेकिन विरोधाभासी विचार के कारण नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रिश्तों में खटास आ गई। सरेआम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करने के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। वहीं नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद राजद नेता और महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव ने भी तंज कसते हुए बधाई दिया है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई। उम्मीद है कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली है। नीतीश के सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का परिवार राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करेगा। बताते चले कि इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ से भाजपा ने सबसे अधिक 74 सीटों पर जीत दर्ज किया है। जदयू को 43 सीटों पर जीत मिली है और इस तरह भाजपा जदयू से 31 सीटें ज्यादा जीती है। एनडीए गठबंधन में दो और दल हम और वीआईपी को 4-4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इस तरह एनडीए गठबंधन ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना लिया है। भाजपा विधान मंडल दल के नेता चुने गए तारकिशोर प्रसाद इस नई सरकार में वित्त मंत्री बने हैं, जबकि रेणु देवी को महिला कल्याण विभाग मिला है। इनके अलावा जदयू के अशोक चौधरी को ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण विभाग मिला है। भाजपा नेता मंगल पांडे को एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग मिला है। इसके अलावा मंगल पांडे के पास पथ निर्माण विभाग भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।